हेलो फ्रेंड्स, ममता की किचन में आप सबको फिर से स्वागत है। और आप सब कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे कस्टर्ड सॉफ्ट केक, और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप मेरा बात मानो, आप बहुत ही टेस्टी बनता है कस्टर्ड केक, और बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं। और आप देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा मत, और बेल आइकन, मेरी नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आसानी से देख सकते हैं। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप कर देने से पता नहीं चलेगा बीच में हम क्या किए हैं। देखिए, इस केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है, देख सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, अपना कमेंट हमें बताइए और वीडियो पूरा देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रेसिपी। हेलो फ्रेंड, आज एक स्पॉन्जी केक बनाने के लिए हमने यहाँ मैदा लिया है। इस कप से हमने मेजरमेंट किया था, इस कप से हमने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा में हम 1 ग्लास दूध लेंगे। इसी कप से 1 कप चीनी लेंगे, और ये है कस्टर्ड पाउडर है। हम कस्टर्ड केक बनाने वाले हैं तो इसलिए कस्टर्ड पाउडर डाले हैं। और ये घी यूज़ करेंगे हम, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या डालडा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता खावा सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है, और हम ये एसेंस लिए हैं स्ट्रॉबेरी वाला एसेंस लिए हैं। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और यहाँ हम 2 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ हमने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और ये जो एसेंस है ये इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, 2, इसमें हमने 3 टीस्पून डाला हुआ था, सब सारा दे देंगे, इतना सारा कस्टर्ड पाउडर है। हाँ फ्रेंड, इसको हमने छान लिया, सब एक बराबर जैसा कर लिया है, आपको हम दिखाना भूल गए। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पर ये जगह हम छोटा पड़ रहा तो किसी और जगह दूसरा कटोरा लेते हैं। अब हम चीनी भी मिक्स कर लेंगे, इसको भी अच्छी तरह देख के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम घी यूज करेंगे 2 टीस्पून, हमने 3 टीस्पून घी डाला है। अब हम धीरे धीरे मिल्क डालेंगे। इसका लेयर ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, इसको अच्छी तरह से हम फेंट के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक भी लेयर्स नहीं है, इस टाइप का कंसंट्रेट रखिएगा, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब हम ये एसेंस, इसका ये कैप डालेंगे। यहाँ हमने इतना एसेंस डाल दिया है, ये देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरा हो गया है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे केक, वो भी हम कढ़ाई में बना के दिखाएंगे। यहाँ हमने दही लिया है 4 टीस्पून जैसा, वो हम अभी डाल देंगे इसमें। दही डालने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इसीलिए हम सारा दही इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट के उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हम केक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना अच्छा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। मेरा 10-15 मिनट हो गया है इसको। अब हम इसमें ये वाला टीना में केक डालेंगे। तो पहले हम घी से इसको ग्रीस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप घी नहीं होगा तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल से। अब इसमें हम आटा या मैदा देके ऊपर से एक कोट लगा देंगे, तो जब ये डालेंगे तब नीचे लगेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। ये मेरा हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे सब बैटर, जितना एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम लोग निकाल देंगे इसमें। तो इसमें ये बैटर थोड़ा सा हम चला देते हैं, जो भी बबल्स रहेगा वो निकल जाएगा। चलाने के बाद आराम से इसमें डाल देते हैं।
ये हो गया, इसको हम दो बार टैप कर देंगे, जो भी बबल्स रहेगा वो निकल जाएगा। उसको ऊपर में थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं। हमने ऊपर में थोड़ा चीनी डाल दिया, इसमें थोड़ा मीठा अच्छा लगेगा खाने में, और थोड़ा हम काजू और किशमिश से डेकोरेशन कर देते हैं। यहाँ हमने कुछ काजू डाल दे रखा है, यहाँ हमने कुछ किशमिश से डेकोरेशन कर दिया है। अब हो गया है मेरा, अब हम इसको कढ़ाई पे बैठा देंगे। आपके पास कढ़ाई हो चाहे कुकर हो, आप किसी में भी कर सकते हो। देख सकते हैं हमने दे दिया, मेरा हो गया। अब यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस जला देते हैं, इसको पूरा हीट कर लेंगे पूरा कढ़ाई को। और यहाँ हमने कुछ इस तरह का स्टैंड रखा है। आपके पास यदि इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इस तरह का प्लेट भी यहाँ डाल सकते हैं। तो मेरे पास है स्टैंड, तो हमने डाल दिया। हमने उल्टा करके डाला है क्योंकि सीधा करने से मेरा कटोरा थोड़ा ऊंचा हो जा रहा है तो ढक्कन लगेगा नहीं, तो इसलिए हम उल्टा करके डाले हैं। आप अपने हिसाब से देख के डाल दीजिएगा। अब हम यहाँ पर रख देंगे और इसको थोड़ा सा प्री हीट करके ढक्कन लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे 15 मिनट बाद, अभी और उसको खोलेंगे नहीं, 15 मिनट बाद हम एक आके चेक करेंगे कितना हुआ, आपको दिखाएंगे उसके बाद। अब हम गैस को स्लो कर देंगे, एकदम मीडियम में रख देंगे और इसको हम छोड़ देंगे अभी 15 मिनट के लिए, थोड़ा सा और। अब हम ढक्कन निकाल लेते हैं, आप देख ही सकते हैं 15 मिनट बाद कितना अच्छी तरीके से फूल गया है मेरा। अब थोड़ा सा बीच में फये हुए और थोड़ा सा लगेगा टाइम इसको, और 15-20 मिनट उसको टाइम लगेगा, हम चेक करके देख लेते हैं। हाँ, और 15 मिनट टाइम लगेगा, थोड़ा सा और ढक्कन लगा देते हैं, उसके बाद हम फिर से चेक करके बताएंगे आपको। अब हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं चक्कू की सहायता से, अब पलटी कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है, हाथ में दबाने से ही कितना नरम बना है, आप देख ही सकते हैं। हम इसको काट के आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा फूला है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चेरी डाल दिया है डेकोरेशन के लिए, आपको काट के दिखाते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। ये देखिए हमने काट के काटा 1 पीस, देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, बहुत ज़्यादा नरम है, आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा नरम है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसा बना है। ओके फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल